दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करेंगे। और मजे की बात यहां पर यह है कि जैसे आप अपना अकाउंट ओपन कर लेंगे तो जो इनका डेबिट कार्ड है आपके एड्रेस पर आपको डिलीवर्ड करा दिया जाता है, जिसका कोई भी चार्ज आपसे यहां पर नहीं लिया जाएगा। जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन करेंगे, कोई भी इनिशियल फंडिंग करने की जरूरत नहीं है। और इंस्टेंट देखेंगे आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, और वर्चुअल डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप अपना फोन पे गूगल पे पेटीएम लिंक करके आप यूपीआई एप्लीकेशन रन कर सकते हो। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि कैसे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आधार कार्ड पैन कार्ड ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखेंगे, और वीडियो कॉल के थ्रू आपकी केवाईसी होगी, वीडियो केवाईसी, और जिस पर आपको ओरिजिनल पैन कार्ड अपने साथ रखना है। और वीडियो केवाईसी होने की वजह से आपके अकाउंट की फुल केवाईसी हो जाएगी, आपको सिंगल ब्रांच विजिट भी नहीं करना पड़ेगा, यानी आपको टोटली आपका पेपरलेस अकाउंट रहता है। तो चलिए इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसे अपना उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक में ऑनलाइन एक डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के डिजिटल सेविंग अकाउंट पेज पर आ जाएंगे। डिजिटल सेविंग अकाउंट की क्राइटेरिया है यहाँ पर कि अगर पहले से अकाउंट उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में रहेगा तो आप डिजिटल सेविंग अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। 18 प्लस आपकी एज होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके साथ ही आपको सेविंग अकाउंट की अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी पड़ेगी। बस यहाँ पर फीचर देख सकते हैं, ओपन सेविंग अकाउंट आपको फ्री डेबिट कार्ड फॉर फर्स्ट ईयर आपको फ्री में डेबिट कार्ड मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको कस्टमर केयर का नंबर मिलेगा सपोर्ट के लिए, SMS अलर्ट की फैसिलिटी मिलेगी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, और इसके साथ ही 5 फ्री ट्रांजेक्शन मिलेगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और अदर बैंक में। और इसके साथ ही आपको यहाँ पर 9 रीजनल लैंग्वेज में आपको इनकी मोबाइल बैंकिंग भी मिल जाती है। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको नीचे आना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह यहाँ से देख सकते हैं, कॉल बैक चाहिए तो कॉल बैक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें अकाउंट ओपन करना है तो ओपन ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहीं से आप डिजिटल सेविंग अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। नीचे आएंगे यहाँ पर देख सकते हैं कई स्टेप में आपका 5 स्टेप में फॉर्म कंप्लीट होगा, लास्ट स्टेप का आपका वीडियो केवाईसी का रहेगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर आपका कौन सा रहेगा, यहाँ पर जो आपके आधार कार्ड से लिंक रहेगा मोबाइल, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि मोबाइल नंबर लिंक विथ आधार कार्ड, जो आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर रहेगा वही आपको डालना है। नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा पैन कार्ड का नंबर, तो यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर देंगे। नीचे यहाँ पर जैसे पैन कार्ड का नंबर देंगे तो आपका नाम बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, उसके बाद नीचे आधार नंबर देंगे। रेफरल कोड ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर देंगे या फिर आपको वीडियो के डिस्प्ले में दिख रहा है तो डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी आप चेक कर सकते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद लिसन टू आधार कंसेंट, यहाँ पर आपको आधार कंसेंट देना है इंग्लिश, यहाँ पर आई एग्री, यहाँ पर आधार कंसेंट देना है, देन आपको इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, अब यहाँ पर गेट आधार OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP के थ्रू आपको अपने आधार कार्ड को वैलिडेट करना है। तो हमारे नंबर पर OTP आ गया, यहाँ पर हमने OTP डाला तो यहाँ पर देखिए आधार OTP ऑथेंटिकेट हो जाएगा। उसके बाद यहीं पर आर यू रेजिडेंस ऑफ इंडिया, यहाँ पर आप टिक मार्क कर देंगे तीनों पर, और यहाँ पर आप कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको कौन सा अकाउंट ओपन करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है जैसे डिजिटल सेविंग अकाउंट और प्रिविलेज सेविंग बैंक अकाउंट और मैक्सिमा सेविंग अकाउंट। यहाँ पर जीरो चार्जेस फॉर कॉमनली यूजिंग बैंकिंग सर्विसेज, लाइफ टाइम फ्री आपको रुपये डेबिट कार्ड मिलेगा, लेकिन इस कार्ड मैक्सिमा सेविंग अकाउंट में आपको एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। लाइफ टाइम आपको फ्री कार्ड तो देगा लेकिन आपको यहाँ पर फंड ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पर देखिए इसके फीचर में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इनके डेबिट कार्ड पर 2 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्ग एक्सेस भी आपको मिल जाते हैं, और यानी कार्ड इनका काफ़ी प्रीमियम वेरियंट का है। तो हायर ATM कार्ड भी आपको 2.5 लाख की आपको लिमिट भी मिल जाएगी इस कार्ड पर। तो यहाँ पर इस कार्ड में आपको फंड कितना मेनटेन करना है, तो यहाँ पर व्हाट इज़ मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट फॉर सेविंग अकाउंट, तो यहाँ पर देखिए 1 लाख रुपए आपको फंड मेंटेन करना पड़ेगा, एवरेज बैलेंस यहाँ पर इस अकाउंट पर आपको 1 लाख रुपए मेंटेन करना पड़ेगा तभी इस अकाउंट को आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आप रेगुलर सेविंग अकाउंट के बारे में डिटेल्स चेक कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंट ओपन करने के लिए जो भी अकाउंट आपको यहाँ पर आपको ओपन करना है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आपको 5000 फंड इनिशिएट फंड डिपॉजिट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको आप डेबिट कार्ड चाहते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, और आप अपने फिजिकल डेबिट कार्ड पर क्या नाम चाहते हैं जैसे वो नाम आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। रुपे क्लासिक आपको कार्ड मिलेगा फिजिकल कार्ड, और इसके साथ ही वर्चुअल कार्ड चाहिए तो वर्चुअल कार्ड भी ले सकते हैं। तो जैसे हमें फिजिकल कार्ड चाहिए, फिजिकल कार्ड यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया।
उसके बाद अब यहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। देखिए एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 100 रुपीज़ पर ईयर है और इसके साथ ही फर्स्ट ईयर आपका इसका चार्जेस जो है तो फ्री रहेगा। बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पर मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर क्लोज करके इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है, एक्सेप्ट करके यहाँ पर आपको क्लोज कर देना है। देन मेक पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको अपने अकाउंट को एक्टिव करने के लिए पहले आपको 5000 का पेमेंट करना है। तो कंप्लीट पेमेंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो इनिशियल फंडिंग आपकी 5000 की रहती है। यहाँ पर देखिए आपको कार्ड नंबर मिल जाएगा, अपने कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं या फिर आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है तो नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा, नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं जाएगा। बैंक रिफ्रेश आपको यहाँ पर प्रेस नहीं करना है, ऑटोमेटिक आपको रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ के बाद यहीं पर देखिए आप रिडायरेक्ट हो गए, डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेंट की यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको टाइटल सेलेक्ट कर लेना है, टाइटल सेलेक्ट करेंगे नाम बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, जेंडर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। नीचे यहाँ पर आपको कुछ अपनी मैनुअली डिटेल्स फिल करनी है, जैसे यहाँ पर आपको यहाँ पर अपने फादर का नेम देना है। नीचे यहाँ पर मदर्स नेम मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको अपना मदर्स नेम देना है। मैट्रिकुलेशन स्टेटस आप क्या है, आप मैरिड हैं कि सिंगल हैं। उसके बाद स्पाउस नेम, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने स्पाउस नेम देंगे यानी हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम आप डालेंगे। नीचे ईमेल आईडी मिल जाएगी, यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी देंगे तो यहाँ पर हम अपनी ईमेल आईडी देते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे ईमेल आईडी का, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है, सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है, आपके ईमेल पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। जैसे आप ओटीपी डाल देंगे ईमेल आईडी आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पर आप सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर ऑक्यूपेशन का टाइप सेलेक्ट कर लेंगे, लिंगम सेलेक्ट कर लेंगे, आपको रिलीजन मिल जाएगा सेलेक्ट कर लेंगे, आपको यहाँ पर कैटेगरी मिल जाएगी, कैटेगरी आप अपनी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, आपका कम्युनिकेशन एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आई वांट टू, उसके बाद यहीं पर टिक मार रहेगा, आपको नॉमिनी ऐड करना है तो यस आई वांट टू ऐड नॉमिनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नीचे आप यहाँ पर नॉमिनी की डिटेल्स फिल करेंगे। नॉमिनी का सबसे पहले यहाँ पर आपको नेम देना है तो यहाँ पर हम नॉमिनी का नेम देंगे, उसके साथ रिलेशनशिप क्या है आपका, उसके साथ इसको आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कैलेंडर से फिल करनी है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा आपको डेट ऑफ बर्थ तो सबसे पहले ईयर, उसके बाद यहाँ पर मंथ और डेट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एड्रेस वगैरह आप इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग आप चाहते हैं तो सब यहाँ पर इनेबल रहने देंगे तो आपको इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग का यहाँ पर फैसिलिटी मिल जाता है। इसके साथ ही उनका यूज़र आईडी पासवर्ड भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद रिव्यू योर डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जितना भी आपने फॉर्म फिल किया है पूरा आप रिव्यू कर सकते हैं, पूरा स्क्रॉल करके आप यहाँ पर फॉर्म फिल करके जो भी आपने फिल किया है उसको चेक कर सकते हैं। एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आई कन्फर्म दीज डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आई यस आई कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो केवाईसी कंप्लीट करनी है, देख सकते हैं अवर बैंक ऑफिसर विल कनेक्ट यू और कंप्लीट योर वीडियो केवाईसी। यहाँ पर ओरिजिनल पेन कार्ड अपने साथ रखना है, ब्लैक या ब्लू कलर का पेन रखना है, व्हाइट पेपर शीट आपको सिग्नेचर करके दिखाने के लिए। तो यहाँ पर क्या करना है, प्रोसीड टू वीडियो केवाईसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और यहीं पर आपसे वीडियो केवाईसी एजेंट होंगे कनेक्ट और आप। तो इस तरीके से दोस्तों आपको जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों लास्ट में थोड़ा यहाँ पर हम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक तो आपको अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी दे दिया, अगर आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं ये डजंट मैटर आपका एरिया का पिन कोड क्या है, आप रूरल एरिया है या फिर अर्बन एरिया से है, अगर आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बात यहाँ पर ये फंस जाती है कि हमने अकाउंट तो ओपन कर लिया, कल को हमें कोई भी रीजन वश ब्रांच विजिट करना होगा तो आपके एरिया पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांचेस ही आपको नहीं मिलेगी और आपके एरिया पर ब्रांचेस ना होने की वजह से आपको काफी सारी परेशानी भी देखनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको अपने एरिया पर ब्रांचेस वाली अकाउंट मिल जाए वो भी जीरो बैलेंस का, वो भी आपको फ्री में डेबिट कार्ड, जैसे आप इंडसइंड बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, यस बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन सब बैंक में अगर आप अकाउंट ओपन करेंगे तो डेफिनेटली आपके एरिया पर इनकी ब्रांचेस जरूर मिल जाएंगी। इंडसइंड बैंक की तो ब्रांचेस लगभग सभी एरिया पर आपकी अवेलेबल रहती हैं। तो इंडसइंड बैंक में आप अकाउंट ओपन कीजिए और आपका जीरो बैलेंस का अकाउंट होगा, वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा, फोन पे गूगल पे पेटीएम वगैरह रन कर सकते हो और जिस पर कोई भी आपसे यहाँ पर चार्जेस वगैरह भी नहीं चिपकाए जाएंगे। तो इन सब वीडियो का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो डायरेक्ट आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, चले मिलते हैं फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।